हुए क्राउड पूरे जोश से उनका स्वागत कर रहा है। तेज गेंदबाज को लाया जा रहा है इस छोर से। चलिए सब तैयार इनिंग्स की पहली गेंद के लिए। गेंदबाज कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। वाइट डाल बैट। ओह बहुत ही बेहतरीन कप्तानी यहाँ। इसे कहते हैं होमवर्क करके आना। बल्लेबाज को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया है। ये शॉट गया हवा में और गैप में भी गया। फील्डिंग में परिवर्तन। जो मदद इस गेंदबाज को इस शोर से मिली है, जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा। और ये शॉट बस एक रन ही निकाल पाए। बल्लेबाज तैयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए। सीधे चार रन की तरफ। कोई गलती नहीं की बैट्समैन ने यहां पर। स्पिनर को दूसरे छोर से लाया गया है। बैटिंग पावर प्ले की समाप्ति। कप्तान अब दो से ज्यादा फील्डर्स इनर सर्कल के बाहर लगा सकते हैं। बहुत ही खराब गेंद और ये वाइट बॉल। कवर पे फील्डर तैनात किए हैं कैप्टन ने। ये गेंद फिर से डालनी पड़ेगी। वाइड बॉल। जिस तरह आजकल स्पिनर की धुलाई करते हैं ये, क्या लगता है आपको कितने छक्के मारेंगे इस ओवर में? बल्लेबाज तेजी से और आसानी से मिले दो रन। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ही उम्दा रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। उठा के खेल दिया है, गैप में गई और ये बेहतरीन चौका। बल्लेबाज ने गेंदबाजी को साधारण बना दिया है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। बहुत ही खराब गेंद और ये वाइट बॉल। पावर प्ले समाप्त होने के बाद अब फील्ड तो खुल चुकी है। अब इन्हें सिंगल्स और डबल्स की मदद से एक लंबी साझेदारी की कोशिश करनी चाहिए। पूरी तरह मिस किया वहां। निराश लग रहे हैं वहां। मेरी माने तो मैं आपको खुशकिस्मत समझे जो बिग क्रीज पे ही खड़े हैं। दर्शक इनके दीवाने हैं और क्यों ना हो, इतना खुल के खेलते हैं मानो हर बॉल पे छक्का मार देंगे। गेंदबाज कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। वाइड डाल बैठे। पूरी तरह चुके वहां। गेंद को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए थे। एक लंबा रास्ता तय कर रहे हैं पवेलियन की ओर जाते हुए। ये रही पारी की आखिरी गेंद आपके सामने। A
रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ही उम्दा रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। तो लक्ष्य हमारे सामने है, देखते हैं क्या इस लक्ष्य को पा सकती है बैटिंग टीम। और ये आ रहे हैं दो अंपायर्स फील्डिंग टीम के साथ और उन्हीं के ठीक पीछे सलामी बल्लेबाज। विकेट संभाल के खेलना होगा, यहाँ मैच एक बहुत ही रोमांचक मोड पर है। चलिए, स्पिनर को लाया गया दोबारा आक्रमण के लिए। अनऑर्थोडॉक्स फील्ड लगाई है कैप्टन ने, बल्लेबाज के माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं यहाँ। गैप में खेलने की अच्छी कोशिश, लेकिन फील्डर वहाँ मौजूद। बॉलर को अपनी लाइन एंड लेंथ सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ। ओहो, उठा के खेल दिया है, खूबसूरत शॉट और ये सीधा बाउंड्री के पार। इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगली गेंद कहां मारेंगे। सीधा फील्डर के पास खेल दिया है, गैप ढूंढने में असमर्थ। फील्डर है कवर पर। बड़ा शॉट लगाया, ऊंचा भी था, लंबा भी था, बल्ले का बीचों बीच से था। क्या रोमांचक मैच चल रहा है, दर्शक भी बड़े ही जोश में लग रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ढंग से खेला सिंगल के लिए। बल्लेबाज तैयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए। उठा के खेल दिया है, शानदार बल्लेबाजी और ये 6 रन। तेज गेंदबाज को लाया गया है दूसरे छोर से। काफी रोचक फील्ड लगाई है कप्तान ने। कर दिया बल्लेबाज ने ये शॉट मारकर। क्या इनके तरकश में से एक और चौका निकल सकता है, चलिए देखते हैं। यहाँ तो नाक के नीचे से एक रन चुरा लिया बॉस, बल्लेबाज हमेशा रन चुराने के लिए तैयार रहते हैं। ये तो चीते की रफ्तार से भाग रहे हैं, एक को दो में बदल रहे हैं और दो को तीन में। आसानी से 2 रन ले सकते हैं यहां पर बल्लेबाज। सिंगल्स, क्या जबरदस्त मैच यह हो रहा है, रोमांच से भरपूर, दर्शक भी इस उच्च स्तर की क्रिकेट का मजा उठा रहे हैं। उठा के खेल दिया है, गैप में गई और ये बेहतरीन चौका। अलग किस्म की फील्ड लगाई है यहां कप्तान ने, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या करेंगे अब बल्लेबाज। खूबसूरत गेंदबाजी और बहुत ही बढ़िया ली। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर लगाया गया है। शॉट, गेंदबाज के पूरे अकड़ को चकनाचूर करती हुई 6 रन और इसी के साथ जीत का लक्ष्य प्राप्त। दोनों बल्लेबाज यहां एक दूसरे को जीत की बधाइयां देते हुए। दोनों टीमों के प्लेयर एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए और इसी को कहते हैं जेंटलमैन्स गेम। Let's congratulate our man of the match and catch him for a few words. I felt I was in top form today and I'm really glad I could contribute towards the team.